मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। जद आवे मौत मैनू, जद आवे मौत मैनू, सोना करीब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बुजुर्गो। दोस्तों मैं तुहाडे सामने अगली वीडियो नाल हाजिर हाँ। तुसीं देख रहे हो आ एक पौधा है जरा कि ये दो किस्म का होंदा है। तो इस दे पत्ते तुसी देख रहे हो ये एक न्याजबो दे पत्ते दी तरह ने। तकरीबन उनकी न्याजबो का पत्ता जरा वो थोड़ा जहा नोकदार होंदा है, यानी कि इनका साइज जरा है वो तकरीबन न्याजबो के पत्तियां दी तरह है, लेकिन न्याजबो का पत्ता थोड़ा जहा कोने वाला होंदा है। ये थोड़े जो गुलाई दे विच ने, लेकिन इनकी दो किस्म की दूसरी किस्म यह वे कि एक तो यह गुलाबी तुसी देख रहे हो कि गुलाबी रंग का फूल है, पिंक जहा कलर का, और दूसरा है कि यह वाइट कलर का होंदा है। बिल्कुल वाइट है। इनदियां ये दो किस्म ने और इस दे पत्ते इस तरह ने जिस तरह कि जबान की तरह इसका पत्ता है, शक्लो सूरत दे विच इस तरह का है। तो साइज दे विच जिस तरह कि न्याजबो का पत्ता है उसकी तरह है, और इसकी डंडी जड़ी है वो मोटी होंदी है, और इसमें यानी कि इस नूं तोड़न दे नाल इस दे अंदरों एक रतोबत निकलती है। और इसका फुल तुसी देखिया है कि बिल्कुल छोटा जहा होंदा है, और इस दियां ये चीज़ां ने इसका जिहड़ा बूटा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होंदा, यानी कि वो तकरीबन कोई फुट डेढ़ फुट तक या ज़्यादा तो ज़्यादा दो फुट तक ही होंदा है। ये मिसल खबाजी जिहड़ी ना खबाजी दे नाल मिलदा जुलदा है, और ज़्यादातर ये दीवारां दे मुड़ दे नाल होंदा है, दीवारां दे कोनियां दे नाल गमलियां दे विच ये आम उग जांदा है। और इनू सदा बहार भी किया जाता है, और इसनों हमेशा बहार भी किया जाता है, बल्कि इसका ना ही सदा बहार है। और सदा बहार इस वजह तो किया जाता है कि ये तकरीबन जरा ना तकरीबन ये इस तरह ही सबज ही रहता है, यानी कि ये इन्ना खुश्क नहीं होता है। और पत्ते जड़े ने इस दे तुसी देखिया सबज होंगे ने, फुल तुहानू दिखाए ने कि इनके फुल दो किस्म के होंगे ने, सफेद भी होंगे ने ते ए पिंक जे बजूरी कलर के भी होंगे ने, और इसका जायका जड़ा है वो तकरीबन तलख होंदा है, और इसका मजाज जड़ा है वह गर्म तो खुश्क है, यानी कि बाज जगह पर इसनों सर्द भी लिखा देखा है, और बाज जगह पर इनू खुश्क गर्म तो खुश्क भी लिखा देखा है, और ये आम जगह पर पाई जाती है। और इसकी जरा कि वह ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये तेज़ नहीं होंगी, नॉर्मल जी किस्म की होंगी है, और इसका जरा इस्तेमाल है ये जिगर का जरा गुद्दा है वह खोल दिए, जिगर के गुद्दे वास्ते, यानी कि जिगर के सुद्दे वास्ते जी ना वह बेहतर चीज़ है, जिगर के सुद्दे वह खोल दिए। और इसका ये इस्तेमाल जरा तुम्हें दसिया है, और इसका होर सब तो कमाल का जरा फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा जरा रखती है,
ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੁਛਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਬਲਗਮ ਦਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਔਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ। ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਗੇ ਰੇ ਸਰ